करेगी टीम गॉडलाइक। जी हाँ, स्लैमिन दे दिया है, नहीं 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 निकल चुके हैं, लेकिन अब ढूंढ रहे हैं। WSB के खिलाड़ी ओपन में है। चलिए जेली रुकेंगे, स्प्रे करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ से भी प्लेस आए। WSB को शट डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे टीम गॉडलाइक 5 फिनिशेस खाते में, पिछले मुकाबले में चिकन डिनर किया था, इस मुकाबले में भी उस तरीके से ही खेलते हुए क्या यहाँ चिकन आएगा? हमारी रूटर की जनता चैट सेक्शन में बताइए, एंड आप लोगों को गिवअवे के बारे में बताया ही था गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे गिवअवेज आप लोगों के लिए। क्या करना है आपको, अपनी कैरेक्टर आईडी के साथ साथ थोड़ा सा स्पेस देखें, ईमेल आईडी को भी आपको चैट सेक्शन में स्पैम करना है, वहीं से कुछ विजेता हमें मिलेंगे जिन्हें हम देंगे रॉयल पासेस। बट अभी के लिए गॉडलाइक के सिम डाउन होते हुए और जेली लो HP पे। बिल्कुल, काफी अच्छी शानदार एंट्री करी है। अमूमन क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से एंट्री करती है, आपके खिलाड़ी नुकसान में ज्यादा रहते हैं। जॉनाथन पूरी टीम को अभी के लिए जेली के द्वारा यही कॉल आउट है कि जो भी है आपके पास जितने भी स्मोक्स है, आप थोड़ा सा घेराव कर लीजिए स्मोक से, ताकि आपका विजन पूरी तरह से ब्लॉक रहे, अपोनेंट का विजन ब्लॉक रहे और आपके ऊपर ज्यादा कुछ खिलाड़ी कहे लग पहुंच जाएंगे। अपने आप को हाइड करने की कोशिश थी बट वो भूल चुके थे, सामने भी कुछ स्प्रे चल रहे थे, उनको लगा कि प्लेयर्स आपस में बैटल करेंगे, लेकिन जॉनाथन ग्रेनेड तो जरूर फेंका गया, आर्कलेन होते हुए यहाँ से नॉकआउट, काफी सटीकता का एक उदाहरण यहाँ से देते नजर आएंगे, लेकिन आईक्यू सोल के ऊपर नजर, निंजा बॉय, ओ बॉय, बिल्कुल लास्ट में एक आप पहले से इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप बैटल की तरफ जाइएगा, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के ऊपर खतरा अब टीम गॉडलाइक की तरफ से बना हुआ है। जॉनाथन ट्राई कर रहे हैं अभी भी उस खिलाड़ी को जो नॉकआउट हो रखा है, उसको डायरेक्ट तरीके से अपने ग्रेनेड या मोल्टोव के चलते उसको समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए 11 फिनिशेस टीम आईक्यू सोल के खाते में आ चुके हैं ऑलरेडी। इस मुकाबले में तो एक तरफा डोमिनेशन दिखा रही है ये टीम, लेकिन अभी ये डोमिनेशन का रिजल्ट क्या होगा? ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के निंजा बॉय अभी के लिए तो कवर के पीछे है, लेकिन कब तक? आईक्यू सोल क्लियरली यहाँ पे अपर हैंड, और ये देखिए जॉनाथन के द्वारा क्या वो पैन किया गया है। 7 फिनिशेस टीम के खाते में आ चुके हैं, जॉनाथन के खाते में है 3, आईक्यू सोल सामने की तरफ, लेकिन अभी भी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी मौजूद, और अब देखते हैं किस तरीके से ये मुकाबला आगे जाता है। आखिरी 6 खिलाड़ी, टॉप 4 टीम्स, चौथी टीम मौजूद है यहाँ पे, नजर आ रहे हैं खिलाड़ी आईक्यू सोल के, रॉनी स्लोली स्लोली जॉनाथन के नजदीक, जॉनाथन के कवर के पीछे, जॉनाथन यहाँ कवर के पीछे है, क्या रॉनी को जॉनाथन की पोजिशन का अंदाजा है? देखिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ये ग्रेनेड आएगा, रॉनी की तरफ से भी आया, लेकिन ओ माय गॉड, जॉनी का ये ग्रेनेड रॉनी को काफी 2 HP पे करेगा, बट ये ग्रेनेड क्या सही जगह पे गया है? ओह माय गुडनेस, सेकंड टाइम वाज द चार्म, पहला ग्रेनेड 10 HP पे छोड़ा, दूसरे ग्रेनेड से नॉक मिला है, लेकिन अब क्या जॉनाथन आगे बढ़ेंगे? ही इज गॉट 6 ग्रेनेड्स इन हैंड, एस पावर का ग्रेनेड है, मॉडल को डाउन करेगा, एंड नाउ वी आर इनटू द फाइनल 3 टीम्स, पहुंच चुके हैं रॉनी यहाँ पे रिवाइवल के लिए, लेकिन ये पोजीशन सही नहीं है। इस पोजीशन पे अगर मॉली और ग्रेनेड एक साथ फेंका गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। जॉनाथन प्रोन हो चुके हैं, सही समय पे ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नकुल वहां से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनाथन के सामने है 3 खिलाड़ी आईक्यू सोल के, ग्रेनेड का प्रयोग क्या सही जगह पे गया है? ग्रेनेड थोड़ा सा पीछे जा चुका है, जे गेम जो ट्राई कर रहे हैं एक के बाद एक वो ग्रेनेड की बहुत सारे, लेकिन